नागिन 3 में माहिर और बेला का आशिक आखिरकार कौन है ये, और माहिर की असली सच्चाई क्या है, और माहिर दिव्य पुरुष है या फिर कोई एक नागराज, और माहिर के यह सबसे बड़े राज का पर्दाफाश कब होगा, और माहिर दिव्य पुरुष या फिर एक नागराज कब बनेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। आपने जैसे कि नागिन 3 का पहले का एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि बेला की शक्तियां लाखों गुना बढ़ गई थी, और यह लाखों गुना शक्तियां बढ़ने की वजह से कोई भी नॉर्मल इंसान बेला को छूता तो वो एग्जैक्टली वहीं पर मर जाता, और माहिर ने बेला को छुआ था और जहर का नॉर्मल असर बेला का माहिर पर हुआ था। लेकिन उसके बाद माहिर फिर से ठीक हो जाता है, और अभी निडोगोंस की नागरानी यानी सुमित्रा ने माहिर को डसा था, और नॉर्मल इंसान निडोगोंस के जहर के कारण एक दो मिनट में वहीं पर मर जाता है, लेकिन माहिर को सिर्फ सरदर्द होता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली माहिर ठीक हो जाता है। और आपको बता दे कि माहिर कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि शिव जी का एक वरदान और एक दिव्य पुरुष है, और रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले कुछ ही एपिसोड में आप देखेंगे कि माहिर को स्वप्न में धीरे धीरे उसकी शक्तियों का एहसास होगा, और यह भयानक स्वप्न माहिर को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी, और वह स्वप्न धीरे धीरे माहिर की लाइफ में सच होता हुआ नजर आएगा, और अपनी यह रियल लाइफ में माहिर अपनी ही दिव्य शक्तियों को देखकर एकदम से हिल जाएगा। और आने वाले एपिसोड में माहिर को महादेव नजर आएंगे, और माहिर को महादेव के पास से पता चलेगा कि उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ बुराई का नाश करने के लिए हुआ है, और बेला माहिर का यह दिव्य पुरुष वाला अवतार देखकर एकदम से हिल जाएगी, और यह सब देखना काफी दिलचस्प होगा। और आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि माहिर दिव्य पुरुष होगा या नहीं, और आप ये सब देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।